हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचर के विद होम रेमेडीज। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी आप एक दिन में अपने स्किन को कैसे निखार सकते हो और अपने स्किन को बहुत सॉफ्ट और ब्राइट बना सकते हो। ये है एक बनाना और हनी फेस मास्क, जिसे आप यूज़ करके आपके स्किन में जो भी दाग धब्बे हैं या फिर आपके स्किन डल हो गई है उसको आप ग्लो कर सकते हो और आपकी जो डल की स्किन है वो आपके अच्छे से ग्लो हो जाएगी। ये दो चीज़ को यूज़ करके मैं आपको मास्क बनाना बताऊंगी, जिसे लगा के आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है एक कटोरी और इसमें मैंने एक बनाना को आधा टुकड़ों में काट दिया है। ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में मैं इसे डाल दूंगी एक बाउल में, और एक चम्मच की सहायता से या फोक की सहायता से आप इसे कर लेना है स्मैश। इसे मैश कर लेना है अच्छे से। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें हमें डालना है एक चम्मच हनी। हनी हमारे स्किन में जो पिंपल्स होते हैं और या फिर हमारी स्किन डल हो गई है, इसे सॉफ्ट और ब्राइट बनाता है। और बनाना में विटामिन ए बी सी डी सारे विटामिन्स होते हैं एंड पोटेशियम होता है, जो हमारे स्किन को ग्लो करने में मदद करता है। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप इसको अपने हाथों में भी यूज़ कर सकते हो। आपके हाथ फट गए हैं या डल हो गया है आपके हाथ की स्किन, उसके लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं बताती हूँ आपको यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले अपने स्किन को अच्छे से वॉश कर लें और उसके बाद थोड़ा सा लेके इसको सर्कुलर मोशन में इस तरीके से मसाज करें। इस तरीके से आप अच्छे से मसाज कर दीजिए। उसके बाद इसको 10 टू 15 मिनट्स ऐसे ही छोड़ दीजिए। 10 टू 15 मिनट्स के बाद आप अपने हाथ या फिर फेस धोएंगे तो आपको एक ही यूज़ में बहुत निखार पाएंगे। आप इसको स्किन में हाथ लगा के देखोगे तो आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। आप एक इसको आप अपने रूटीन में ज़रूर लाइए। अगर आप ऐसे डेली करते हो तो आपको बहुत अच्छा निखार मिलेगा, या फिर आप हफ्ते में इसको दो या तीन बार भी करते हो तो आपको बहुत अच्छे बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपका कलर थोड़ा सा डल है वो भी आपका निखर आएगा। दोस्तों, ये बहुत अच्छा फेस मास्क है, आपको इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आप सब जानते हैं कि बनाना बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए भी और हमारी हेल्थ के लिए भी। अगर हम लो फील करते हैं, अगर बनाना खाने से हमें बहुत अच्छा फील होता है, इसी तरीके से हमारी स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छा है। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और यूज़ करके इसे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।